श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भाग 10। दोस्तों, ज्ञान योग इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम श्री वाल्मीकि रामायण का मूल भाषा में वॉइस ओवर बना रहे हैं, जिसके पहले के 9 भागों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट वाल्मीकि रामायण को एक्सेस करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अब आगे पंच पंचाशह सर्ग। अपने 100 पुत्रों और सारी सेना के नष्ट हो जाने पर विश्वामित्र का तपस्या करके महादेव जी से दिव्यास्त्र पाना तथा उनका वशिष्ठ के आश्रम पर प्रयोग करना एवं वशिष्ठ जी का ब्रह्मदंड लेकर उनके सामने खड़ा होना। विश्वामित्र के अस्त्रों से घायल होकर उन्हें व्याकुल हुआ देख वशिष्ठ जी ने फिर आज्ञा की, कामधेनु, अब योग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। तब उस गौ ने फिर हुंकार किया। उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी कंबोज उत्पन्न हुए। थन से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हुए। योनि देश से यवन और शक्र देश से गोबर के स्थान से शक उत्पन्न हुए। रोमकूपों से मलेच्छ, हारीत और किरात प्रकट हुए। रघुनंदन, उन सब वीरों ने पैदल, हाथी, घोड़े और रथ सहित विश्वामित्र की सारी सेना का तत्काल संहार कर डाला। महात्मा वशिष्ठ द्वारा अपनी सेना का संहार हुआ देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत क्रोध में भर गए और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े। तब उन महर्षि ने हुंकार मात्र से उन सबको जलाकर भस्म कर डाला। महात्मा वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र के वे सभी पुत्र 2 ही घड़ी में घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों सहित जलाकर भस्म कर डाले गए। अपने समस्त पुत्रों तथा सारी सेना का विनाश हुआ देख महायशस्वी विश्वामित्र लज्जित हो बड़ी चिंता में पड़ गए। समुद्र के समान उनका सारा वेग शांत हो गया। जिसके दांत तोड़ लिए गए हों उस सर्प के समान तथा राहुग्रस्त सूर्य की भांति वे तत्काल ही निस्तेज हो गए। पुत्र और सेना दोनों के मारे जाने से वे पंख कटे हुए पक्षी के समान दीन हो गए। उनका सारा बल और उत्साह नष्ट हो गया। वे मनी मन बहुत खिन्न हो उठे। उनका एक ही पुत्र बचा था, उसको उन्होंने राजा के पद पर अभिषिक्त करके राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी के पालन की आज्ञा देकर वे वन में चले गए। हिमालय के पार्श्व भाग में जो किन्नरों और नागों से सेवित प्रदेश है, वहां जाकर महादेव जी की प्रसन्नता के लिए महान तपस्या का आश्रय ले वे तप में ही संलग्न हो गए। कुछ काल के पश्चात वरदायक देवेश्वर भगवान वृषभध्वज ने महामुनि विश्वामित्र को दर्शन दिया और कहा, राजन, किस लिए मेरा तप करते हो? बताओ, क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हें जो वर पाना अभिष्ट हो उसे कहो। महादेव के ऐसा कहने पर महातपस्वी विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा, निष्पाप महादेव, यदि आप संतुष्ट हो तो अंग, उपांग, उपनिषद और रहस्यों सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिए। अनघ देवताओं, दानवों, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों के पास जो जो अस्त्र हों वे सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो जाएं। देवदेव, यही मेरा मनोरथ है जो मुझे प्राप्त करना है। तब एवमस्तु कह देवेश्वर भगवान शंकर वहां से चले गए। देवेश्वर महादेव से वे अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र को बड़ा घमंड हो गया। वे अभिमान में भर गए। जैसे पूर्णिमा को समुद्र बढ़ने लगता है, उसी प्रकार वे पराक्रम द्वारा अपने को बहुत बड़ा चढ़ा मानने लगे। श्री राम, उन्होंने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को उसी समय मरा हुआ ही समझा। तब तो वे पृथ्वीपति विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जिनके तेज से वह सारा तपोवन दग्ध होने लगा। बुद्धिमान विश्वामित्र के उस बढ़ते हुए अस्त्र तेज को देखकर वहां रहने वाले सैकड़ों मुनि भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। वशिष्ठ जी के जो शिष्य थे वे वहां के पशु और पक्षी थे। वे सहस्त्रों प्राणी भयभीत हो नाना दिशाओं की ओर भाग गए।
महात्मा वशिष्ठ का वह आश्रम सूना हो गया। दो ही घड़ी में ऊसर भूमि के समान उस स्थान पर सन्नाटा छा गया। वशिष्ठ जी बार बार कहने लगे, डरो मत, मैं अभी इस गाधी पुत्र को नष्ट किए देता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य कुहा को मिटा देता है। जपने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी वशिष्ठ ऐसा कहकर उस समय विश्वामित्र जी से रोषपूर्वक बोले, अरे तूने चिरकाल से पाले पोसे तथा हरे भरे किए हुए इस आश्रम को नष्ट कर दिया, उजाड़ डाला, इसलिए तू दुराचारी और विवेक शून्य है और इस पाप के कारण तू कुशल से नहीं रह सकता। ऐसा कहकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो धूम रहित कालाग्नि के समान उद्दीप्त हो उठे और दूसरे यमदंड के समान भयंकर डंडा हाथ में उठाकर तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। षट पंचाशह सर्ग। विश्वामित्र द्वारा वशिष्ठ जी पर नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग और वशिष्ठ द्वारा ब्रह्मदंड से ही उनका शमन एवं विश्वामित्र का ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के लिए तप करने का निश्चय। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर महाबली विश्वामित्र आग्नेयास्त्र लेकर बोले, अरे खड़ा रहे खड़ा रहे। उस समय द्वितीय कालदंड के समान ब्रह्मदंड को उठाकर भगवान वशिष्ठ ने क्रोध पूर्वक इस प्रकार कहा, क्षत्रियाधम ले, यह मैं खड़ा हूँ, तेरे पास जो बल हो उसे दिखा। गाधीपुत्र, आज तेरे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान का घमंड मैं अभी धूल में मिला दूंगा। क्षत्रिय कुल कलंक, कहाँ तेरा शास्त्र बल और कहाँ महान ब्रह्म बल, मेरे दिव्य ब्रह्म बल को देख ले। गाधीपुत्र विश्वामित्र का वह उत्तम एवं भयंकर आग्नेयास्त्र वशिष्ठ जी के ब्रह्म दंड से उसी प्रकार शांत हो गया जैसे पानी पड़ने पर जलती हुई अग्नि का वेग। तब गाधीपुत्र विश्वामित्र ने कुपित होकर वारुण, रौद्र, ऐन्द्र, पाशुपत्र और ऐशिक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। रघुनंदन, उसके पश्चात क्रमशः मानव, मोहन, गंधर्व, स्वापन, जंभण, मादन, संतापन, विलापन, शोषण, विदारण, सुदुर्जय वज्रास्त्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, परमप्रिय पिनाकास्त्र, सूखी गीली दो प्रकार की अशनी, दंडास्त्र, वायवास्त्र, मंथनास्त्र, हयशिरा दो प्रकार की शक्ति, कंकाल, त्रिशूलास्त्र, कपालास्त्र, कंकणास्त्र, ये सभी अस्त्र उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर चलाए। जपने वालों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ पर इतने अस्त्रों का प्रहार वह एक अद्भुत सी घटना थी, परंतु ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ ने उन सभी अस्त्रों को केवल अपने डंडे से ही नष्ट कर दिया। उन सब अस्त्रों के शांत हो जाने पर गाधीनंदन विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को उद्यत देख अग्नि आदि देवता, देवऋषि, गंधर्व और बड़े बड़े नाग भी दहल गए। ब्रह्मास्त्र के ऊपर उठते ही तीनों लोकों के प्राणी थर्रा उठे। राघव, वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से उस महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मदंड के द्वारा ही शांत कर दिया। उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते समय महात्मा वशिष्ठ का वह रौद्र रूप तीनों लोकों को मोह में डालने वाला और अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। महात्मा वशिष्ठ के समस्त रोमकूपों में किरणों की भांति धूमयुक्त आग की लपटें निकलने लगी। वशिष्ठ जी के हाथ में उठा हुआ वह द्वितीय यमदंड के समान वह ब्रह्मदंड धूम रहित कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उस समय समस्त मुनिगण मंत्र जपने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि की स्तुति करते हुए बोले, ब्राह्मण, आपका बल अमोघ है, आप अपने तेज को अपनी ही शक्ति से समेट लीजिए, महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गए। मुनि श्रेष्ठ, आपका बल अमोघ है, अब आप शांत हो जाइए जिससे लोगों की व्यथा दूर हो। महर्षियों के ऐसा कहने पर महातेजस्वी महाबली वशिष्ठ जी शांत हो गए और पराजित विश्वामित्र लंबी सांस खींचकर यूं बोले, क्षत्रियों के बल को धिक्कार है, ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने मेरे सभी अस्त्र नष्ट कर दिए। इस घटना को प्रत्यक्ष देख अब मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूंगा जो मेरे लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का कारण होगा। सप्त पंचाशह सर्ग। विश्वामित्र की तपस्या। राजा त्रिशंकु का अपना यज्ञ कराने के लिए पहले वशिष्ठ जी से प्रार्थना करना
और उनके इनकार कर देने पर उन्हीं के पुत्रों की शरण में जाना। श्री राम तदनंतर विश्वामित्र अपनी पराजय को याद करके मनी मन संतप्त होने लगे। महात्मा वशिष्ठ के साथ बैर बांधकर महातपस्वी विश्वामित्र बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। वहां मन और इंद्रियों को वश में करके वे फलमूल का आहार करते तथा उत्तम तपस्या में लगे रहते थे। वहीं उनके हविष्पंद, मधुष्पंद, दृढ़ नेत्र और महारथ नामक चार पुत्र उत्पन्न हुए, जो सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले थे। 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने तपस्या के धनी विश्वामित्र को दर्शन देकर मधुर वाणी में कहा, कुशिक नंदन, तुमने तपस्या के द्वारा राजऋषियों के लोकों पर विजय पाई है। इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राजऋषि समझते हैं। यह कहकर संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्ग लोक होते हुए ब्रह्म लोक को चले गए। उनकी बात सुनकर विश्वामित्र का मुख लज्जा से कुछ झुक गया। वे बड़े दुख से व्यथित हो दीन पूर्वक मन ही मन यूं कहने लगे, अहो, मैंने इतना बड़ा तप किया तो भी मुझे ऋषियों सहित संपूर्ण देवता मुझे राजऋषि ही समझते हैं। मालूम होता है इस तपस्या का कोई फल नहीं हुआ। श्री राम मन में ऐसा सोचकर अपने मन को वश में करने वाले महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र पुनः भारी तपस्या में लग गए। इसी समय इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम था त्रिशंकु। रघुनंदन, उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसा कोई यज्ञ करूं जिससे अपने इस शरीर के साथ ही मैं देवताओं की परम गति स्वर्ग लोक को जा पहुंचूं। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाकर अपना यह विचार उनसे कह सुनाया। महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि ऐसा होना असंभव है। जब वशिष्ठ ने उन्हें कोरा उत्तर दे दिया, तब वे राजा उस कर्म की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्रों के पास चले गए। वशिष्ठ जी के वे पुत्र जहाँ दीर्घ काल से तपस्या में प्रवृत्त होकर तप करते थे, उसी स्थान पर पहुंचकर महातेजस्वी त्रिशंकु ने देखा कि मन को वश में रखने वाले वे 100 परम तेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में संलग्न हैं। उन सभी महात्मा गुरु पुत्रों के पास जाकर उन्होंने क्रमशः उन्हें प्रणाम किया और लज्जा से अपने मुख को कुछ नीचा करके हाथ जोड़कर उन सब महात्माओं से कहा, गुरु पुत्रों, आप शरणागत वत्सल हैं, मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ, आपका कल्याण हो। महात्मा वशिष्ठ ने मेरा यज्ञ करना स्वीकार कर दिया है। मैं एक महान यज्ञ करना चाहता हूँ, आप लोग उसके लिए मुझे आज्ञा दें। मैं समस्त गुरुपुत्रों को नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप लोग तपस्या में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण हैं। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह याचना करता हूँ कि आप लोग एकाग्रचित हो मुझसे मेरी अभिष्ट सिद्धि के लिए ऐसा कोई यज्ञ करावें जिससे मैं इस शरीर के साथ ही देवलोक जा सकूँ। तपोधनों, महात्मा वशिष्ठ के स्वीकार कर देने पर अब मैं अपने लिए समस्त गुरुपुत्रों की शरण में जाने के सिवा दूसरी कोई गति नहीं देखता। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं, उसके बाद अब आप ही मेरे परम देवता हैं। अष्टपंचाशः सर्ग। वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों का त्रिशंकु को डांट बताकर घर लौटने के लिए आज्ञा देना तथा उन्हें दूसरा पुरोहित बनाने के लिए उद्यत देख शाप प्रदान और उनके शाप से चांडाल हुए त्रिशंकु का विश्वामित्र जी की शरण में जाना। रघुनंदन, राजा त्रिशंकु का यह वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि के वे 100 पुत्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले, दुर्बुद्धे, तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना कर दिया है तब तुमने उनका उल्लंघन करके दूसरी शाखा का आश्रय कैसे लिया। समस्त श्वाकुवंशी क्षत्रियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उन सत्यवादी महात्मा की बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता। जिस यज्ञ कर्म को उन भगवान वशिष्ठ मुनि ने असंभव बताया उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं। नरश्रेष्ठ, तुम अभी नादान हो, अपने नगर को लौट जाओ। पृथ्वीनाथ, भगवान वशिष्ठ तीनों लोकों का यज्ञ करने में समर्थ हैं, हम लोग उनका अपमान कैसे कर सकेंगे। गुरुपुत्रों का वह क्रोधयुक्त वचन सुनकर राजा त्रिशंकु ने पुनः उनसे इस प्रकार कहा, तपोधनों,
भगवान वशिष्ठ ने तो मुझे ठुकरा ही दिया, आप गुरु पुत्र गण भी मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अतः आपका कल्याण हो, अब मैं किसी दूसरे की शरण में जाऊंगा। त्रिशंकु का यह घोर अभिसंधिपूर्ण वचन सुनकर महर्षि के पुत्रों ने अत्यंत कुपित हो उन्हें शाप दे दिया। अरे जा, तू चांडाल हो जाएगा, ऐसा कहकर वे महात्मा अपने अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। तदनंतर रात व्यतीत होते ही राजा त्रिशंकु चांडाल हो गए। उनके शरीर का रंग नीला हो गया, कपड़े भी नीले हो गए, प्रत्येक अंग में रूक्षता आ गई, सिर के बाल छोटे छोटे हो गए, सारे शरीर में चिता की राख सी लिपट गई, विभिन्न अंगों में यथास्थान लोहे के गहने पड़ गए। श्री राम अपने राजा को चांडाल रूप में देखकर सब मंत्री और पुरवासी जो उनके साथ आए थे उन्हें छोड़कर भाग गए। कुकुत्स नंदन वे धीर स्वभाव नरेश दिन रात चिंता की आग में जलने लगे और अकेले ही तपोधन विश्वामित्र की शरण में गए। श्री राम विश्वामित्र ने देखा राजा का जीवन निष्फल हो गया, उन्हें चांडाल के रूप में देखकर उन महातेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि के हृदय में करुणा भर आई। वे दया से द्रवित होकर भयंकर दिखाई देने वाले राजा त्रिशंकु से इस प्रकार बोले, महाबली राजकुमार तुम्हारा भला हो, यहाँ किस काम से तुम्हारा आना हुआ है? वीर अयोध्या नरेश जान पड़ता है तुम शाप से चांडाल भाव को प्राप्त हुए हो। विश्वामित्र की बात सुनकर चांडाल भाव को प्राप्त हुए और वाणी के तात्पर्य को समझने वाले राजा त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर वाक्यार्थ कोविद विश्वामित्र मुनि से इस प्रकार कहा, महर्षि मुझे गुरु तथा गुरु पुत्रों ने ठुकरा दिया, मैं जिस मनोअभीष्ट वस्तु को पाना चाहता था उसे न पाकर इच्छा के विपरीत अनर्थ का भागी हो गया। सौभाग्य दर्शन मुनीश्वर, मैं चाहता था कि इसी शरीर से स्वर्ग को जाऊं, परंतु यह इच्छा पूर्ण न हो सकी। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए हैं किंतु उनका भी कोई फल नहीं मिल रहा है। सौम्य मैं क्षत्रिय धर्म की शपथ खाकर आपसे कहता हूँ कि बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर भी ना तो पहले कभी मैंने मिथ्या भाषण किया है और ना ही भविष्य में ही करूँगा। मैंने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया है, प्रजाजनों की धर्मपूर्वक रक्षा की और शील एवं सदाचार के द्वारा महात्माओं तथा गुरुजनों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया है। इस समय भी मैं यज्ञ करना चाहता था, अतः मेरा यह प्रयत्न धर्म के लिए ही था। मुनिवर तो भी मेरे गुरुजन मुझ पर संतुष्ट न हो सके, यह देखकर मैं देव को ही बड़ा मानता हूँ, पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है। देव सब पर आक्रमण करता है, देव ही सबकी परम गति है। मुने मैं अत्यंत आर्त होकर आपकी कृपा चाहता हूँ, देव ने मेरे पुरुषार्थ को दबा दिया है, अब आपका भला हो, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। अब मैं आपके सिवा दूसरे किसी की शरण में नहीं जाऊंगा, दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला है भी नहीं, आप ही अपने पुरुषार्थ से मेरे दुर्दैव को पलट सकते हैं। एकोन षष्टितमः सर्गः। विश्वामित्र का त्रिशंकु को आश्वासन देकर उनका यज्ञ कराने के लिए ऋषि मुनियों को आमंत्रित करना और उनकी बात न मानने वाले महोदय तथा ऋषि पुत्रों को शाप देकर नष्ट करना। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम साक्षात चंडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए राजा त्रिशंकु के पूर्वोक्त वचनों को सुनकर कुशिक नंदन विश्वामित्र ने दया से द्रवित होकर उनसे मधुर वाणी में कहा, वत्स इश्वाकु कुल नंदन तुम्हारा स्वागत है, मैं जानता हूँ तुम बड़े धर्मात्मा हो, नृप प्रवर डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। राजन तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पुण्यकर्मा महर्षियों को मैं आमंत्रित करता हूँ, फिर तुम आनंद पूर्वक यज्ञ करना। गुरु के शाप से तुम्हें जो ये नवीन रूप प्राप्त हुआ है इसके साथ ही तुम सदैव स्वर्ग लोक को जाओगे। नरेश्वर तुम जो शरणागत वत्सल विश्वामित्र की शरण में आ गए इससे मैं यह समझता हूँ कि स्वर्ग लोक तुम्हारे हाथों में आ गया है। ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपने परम धर्म परायण महाज्ञानी पुत्रों को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात समस्त शिष्यों को बुलाकर उनसे यह बात कही, तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता समस्त ऋषि मुनियों को जिनमें वशिष्ठ के पुत्र भी सम्मिलित हैं उनके शिष्यों सुहृदयों तथा ऋत्विजनों सहित बुला लाओ।
जिसे मेरा संदेश देकर बुलाया गया हो, वह अथवा दूसरा कोई यदि इस यज्ञ के विषय में कोई अवहेलना पूर्वक बात कहे तो तुम लोग वह सब पूरा पूरा मुझसे आकर कहना। उनकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य चारों दिशाओं में चले गए। फिर तो सब देशों से ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। विश्वामित्र के शिष्य उन प्रज्वलित तेज वाले महर्षि के पास सबसे पहले लौट आए और समस्त ब्रह्मवादियों ने जो बातें कही थी उन्हें सबने विश्वामित्र जी से कह सुनाया। वे बोले, गुरुदेव, आपका आदेश या संदेश सुनकर प्राय संपूर्ण देशों में रहने वाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं। केवल महोदय नामक ऋषि तथा वशिष्ठ के पुत्रों को छोड़कर सभी महर्षि यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। मुनिश्रेष्ठ, वशिष्ठ के जो 100 पुत्र हैं उन सब ने क्रोध भरी वाणी में जो कुछ मुझसे कहा है वह सब आप सुनिए। वे कहते हैं, जो विशेषतः चांडाल है और जिसका यज्ञ कराने वाला आचार्य क्षत्रिय है, उसके यज्ञ में देव ऋषि अथवा महात्मा ब्राह्मण हविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं? अथवा चांडाल का अन्न खाकर विश्वामित्र से पालित हुए ब्राह्मण स्वर्ग कैसे जा सकेंगे? मुनिवर, महोदय के साथ वशिष्ठ के सभी पुत्रों ने क्रोध से आंखें लाल करके यह उपयुक्त निष्ठुरतापूर्ण बातें कही थी। उन सब की वह बातें सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोषपूर्वक इस प्रकार बोले, मैं उग्र तपस्या में लगा हूँ और दोषों या दुर्भावना से रहित हूँ, तो भी जो मुझ पर दोषारोपण करते हैं वे दुरात्मा भस्मीभूत हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। आज कालपाश से बंधकर वे यमलोक में पहुंचा दिए गए। अब ये 700 जन्मों तक मुर्दों की रखवाली करने वाली, निश्चित रूप से कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक नामक प्रसिद्ध निर्दय चांडाल जाति में जन्म ग्रहण करें। वे लोग विकृत एवं विरूप होकर इन लोकों में विचरें। साथ ही दुर्बुद्धि महोदय भी, जिन्होंने मुझ दोषहीन को भी दूषित किया है, मेरे क्रोध से दीर्घ काल तक सब लोगों में निंदित, दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर और दया शून्य निषाद योनि को प्राप्त करके दुर्गति भोगेगा। ऋषियों के बीच में ऐसा कहकर महातपस्वी, महातेजस्वी एवं महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। षष्टीतमः सर्गः। विश्वामित्र का ऋषियों से त्रिशंकु का यज्ञ कराने के लिए अनुरोध। ऋषियों द्वारा यज्ञ का आरंभ। त्रिशंकु का सशरीर स्वर्ग गमन। इंद्र द्वारा सर्ग से उन्हें गिराए जाने पर शुद्ध हुए विश्वामित्र का नूतन देव सर्ग के लिए उद्योग। फिर देवताओं के अनुरोध से उनका इस कार्य से विरत होना। श्री राम, महोदय सहित वशिष्ठ के पुत्रों को अपने तपोबल से नष्ट हुआ जान महातेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषियों के बीच में इस प्रकार कहा, मुनिवरो, ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा त्रिशंकु हैं। ये विख्यात नरेश बड़े ही धर्मात्मा और दानी रहे हैं तथा इस समय मेरी शरण में आए हैं। इनकी इच्छा है कि मैं अपने इसी शरीर से देवलोक पर अधिकार प्राप्त करूं। अतः आप लोग मेरे साथ रहकर ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करें जिससे इन्हें इस शरीर में ही देवलोक की प्राप्ति हो सके। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर धर्म को जानने वाले सभी महर्षियों ने सहसा एकत्र होकर आपस में धर्मयुक्त परामर्श किया। ब्राह्मणों, कुशिक के पुत्र विश्वामित्र मुनि बड़े क्रोधी हैं। ये जो बात कर रहे हैं उसका ठीक तरह से पालन किया जाना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। ये भगवान विश्वामित्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं। यदि इनकी बात नहीं मानी गई तो ये रोषपूर्वक शाप दे देंगे। इसलिए ऐसे यज्ञ का आरंभ करना चाहिए जिससे विश्वामित्र के तेज से ये इक्ष्वाकुनंदन त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग लोक में जा सकें। इस तरह विचार करके उन्होंने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया कि यज्ञ आरंभ किया जाए। ऐसा निश्चय करके महर्षियों ने उस समय अपना अपना कार्य आरंभ किया। महातेजस्वी विश्वामित्र स्वयं ही उस यज्ञ में याजक हुए। फिर क्रमशः अनेक मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ऋत्विज हुए, जिन्होंने कल्पशास्त्र के अनुसार विधि एवं मंत्रोच्चारण पूर्वक सारे कार्य संपन्न किए। तदनंतर बहुत समय तक यत्न पूर्वक मंत्र पाठ करके महातपस्वी विश्वामित्र अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए संपूर्ण देवताओं का आह्वान किया, परंतु उस समय वहां भाग लेने के लिए वे सब देवता नहीं आए। इससे महामुनि विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने
सुरवा उठाकर रोष के साथ राजा त्रिशंकु से इस प्रकार कहा, नरेश्वर अब तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या का बल देखो, मैं अभी तुम्हें अपनी शक्ति से सह शरीर स्वर्ग लोक में पहुंचाता हूँ। राजन आज तुम अपने इस शरीर के साथ ही दुर्लभ स्वर्ग लोक को जाओ। नरेश्वर यदि मैंने तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त किया है तो उसके प्रभाव से तुम सह शरीर स्वर्ग को जाओगे। श्री राम विश्वामित्र मुनि द्वारा इतना कहते ही राजा त्रिशंकु सब मुनियों के देखते देखते उस समय अपने शरीर के साथ ही स्वर्गलोक को चले गए। त्रिशंकु को स्वर्गलोक में पहुंचा हुआ देख समस्त देवताओं के साथ पाक्षासन इंद्र ने उनसे इस प्रकार कहा, मूर्ख त्रिशंकु तू फिर यहाँ से लौट जा, तेरे लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है, तू गुरु के शाप से नष्ट हो चुका है, अतः नीचे मुँह किए पुनः पृथ्वी पर गिर जा। इतना कहते ही राजा त्रिशंकु तपोधन विश्वामित्र को पुकार कर त्राही त्राही की रट लगाते हुए पुनः स्वर्ग से नीचे गिरे। चीखते चिल्लाते हुए त्रिशंकु की वह करुण पुकार सुनकर कौशिक मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे त्रिशंकु से बोले, राजन वहीं ठहर जा, वहीं ठहर जा। उनके ऐसा कहने पर त्रिशंकु बीच में ही लटके रह गए। तत्पश्चात तेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच दूसरे प्रजापति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्त ऋषियों की सृष्टि की तथा क्रोध से भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रों का भी निर्माण कर डाला। वे महायशस्वी मुनि क्रोध से कुलिशित हो दक्षिण दिशा में ऋषि मंडली के बीच नूतन नक्षत्रमालाओं की सृष्टि करके यह विचार करने लगे कि मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूँगा अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक बिना इंद्र के ही रहेगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोधपूर्वक नूतन देवताओं की सृष्टि आरंभ की। इससे समस्त देवता असुर और ऋषि समुदाय बहुत घबराए और सभी वहां जाकर महात्मा विश्वामित्र से विनय पूर्वक बोले, महाराज ये राजा त्रिशंकु गुरु के शाप से अपने पुण्य नष्ट करके चांडाल हो गए हैं, अतः तपोधन ये सशरीर स्वर्ग में जाने के कदापि अधिकारी नहीं है। उन देवताओं की यह बात सुनकर मुनिवर कौशिक ने संपूर्ण देवताओं से परमोत्कृष्ट वचन कहा, देवगण आपका कल्याण हो, मैंने राजा त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः उसे मैं झूठी नहीं कर सकता। इन महाराज त्रिशंकु को सदा स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त होता रहे। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सब सदा मौजूद रहें, जब तक संसार रहे तब तक ये सभी वस्तुएं जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि हुई है सदा बनी रहे। देवताओं आप सब लोग इन बातों का अनुमोदन करें। उनके ऐसा कहने पर सब देवता मुनिवर विश्वामित्र से बोले, महर्षे ऐसा ही हो, ये सभी वस्तुएं बनी रहें और आपका कल्याण हो। मुनि श्रेष्ठ आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में वैश्वानर पथ से बाहर आकर प्रकाशित होंगे और उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच में सिर नीचा किए त्रिशंकु भी प्रकाशमान रहेंगे। वहां इनकी स्थिति देवताओं के समान होगी और ये सभी नक्षत्र इन कृतार्थ एवं यशस्वी नृपश्रेष्ठ का स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करते रहेंगे। इसके बाद संपूर्ण देवताओं ने ऋषियों के बीच में ही महातेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर देवताओं का अनुरोध स्वीकार कर लिया। नरश्रेष्ठ श्री राम तदनंतर यज्ञ समाप्त होने पर सब देवता और तपोधन महर्षि जैसे आए थे उसी प्रकार अपने अपने स्थान को लौट गए। कथा अगले अंक में जारी रहेगी।